आदमी थकता है हर चीज में, वो जो भी करता है उसमें ही थक जाता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया इस थकान के सूत्र को? आप थके हुए मालूम होते हैं कोई भी काम करते क्षण में, लेकिन अचानक कभी ऐसी घटना घटती है कि सब थकान तिरोहित हो जाती। विंसेंट वन गॉग एक डच पेंटर हुआ और इस पिछले 150 वर्षों में कुछ थोड़े से कीमती आदमियों में से एक। कुरूप था इसलिए कोई स्त्री कभी उसके प्रेम में नहीं गिरी। उसकी जिंदगी एक थकान थी, एक लंबी ऊब। वन गॉग ने लिखा है कि सुबह उठने का मुझे कोई कारण नहीं मालूम पड़ता, क्यों उठूं? उठना पड़ता है, मजबूरी है, उठाता हूं। सांझ सोने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता, आंख भी खोलूं इसकी कोई वजह नहीं है क्योंकि कोई भविष्य नहीं। वन गॉग चलेगा भी तो उसके पैर लड़खड़ाते हुए होंगे, वो काम भी करेगा तो उसकी काम में एक उदासी छाई होगी। वो जिस दुकान पे काम करता है, एक चित्र बेचने वाली, पेंटिंग्स बेचने वाली दुकान पे काम करता है, उसके मालिक ने कभी नहीं देखा कि उसने कभी किसी ग्राहक में कोई रस लिया हो। ग्राहक को आता देखकर उसे लगता है कि एक मुसीबत आ रही है। उठाता है, चित्र दिखा भी देता है, लेकिन जैसे कोई ऑटोमेटा, कोई यंत्र सब कर रहा हो। लेकिन अचानक एक दिन देखा उसके मालिक ने कि वन गॉग गीत गुनगुनाता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह पहला मौका था कि उसे किसी ने गीत गुनगुनाते देखा। जब वो पास आया तो उसके मालिक ने देखा कि न केवल वो गीत गुनगुना रहा है, आज मालूम पड़ता है उसने स्नान भी किया। स्नान वो रोज भी करता था, लेकिन वो सिर्फ पानी ढाल देना था। पानी ढाल लेने में और स्नान करने में बड़ा फर्क है। जब कोई अपने लिए ही ढाल लेता है तो पानी ढालना होता है, और जब किसी और के लिए ढालता है तब स्नान हो जाता है, और दोनों में बुनियादी फर्क है। कपड़े उसके वही थे लेकिन आज उनकी तर्ज बदल गई। आदमी वही था लेकिन चाल बदल गई। उसके मालिक ने पूछा, वन गॉग क्या हुआ? वन गॉग ने कहा कि आज मेरे जिंदगी में एक स्त्री आ गई, प्रेम की एक घटना। उस दिन ग्राहकों में उसका रस और है। उस दिन ग्राहक को आता देख के वो आनंदित है। उस दिन उसके काम में अंतर पड़ गया, जिंदगी में कोई अर्थ आ गया। वन गॉग ने उस दिन रात अपनी डायरी में लिखा है कि पहली दफा एक ऐसा दिन बीता जिससे मैं थका नहीं, नहीं तो मैं सुबह थका हुआ ही उठता हूं। सांझ थका हुआ तो सोता ही हूं, सुबह थका हुआ ही उठता हूं। उस दिन मैं सांझ भी ताजा था, थका हुआ नहीं था, और काम मैंने हर दिन से ज्यादा किया था। क्या फर्क पड़ गया? जो कल तक तनाव था आज वो तनाव नहीं रहा। जिस काम को करने में तनाव है वो आपको थका जाएगा, और जिस काम को करने में तनाव नहीं है, सहजता है, वो आपको और भी ताजा कर जाएगा। न तो काम थकाता है न ताजा करता है, आदमी पर निर्भर है। हम पूरे जीवन को काम बना लेते हैं, तनाव बना लेते हैं। मैं सुनता हूं लोग मेरे पास आते कहते हैं कि पिता बीमार है, उनकी सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य है, ड्यूटी है। ड्यूटी होती है पुलिसमैन की, कर्तव्य होता है एक नौकर का, बेटे का कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य का मतलब है करना चाहिए इसलिए कर रहे। लेकिन अगर पिता की सेवा करना कर्तव्य है
तो फिर सेवा एक पत्थर की तरह छाती पर पड़ जाएगी। और भीतर मन के किसी कोने में यह भाव अगर आना शुरू हो जाए तो यह मत समझना कि यह भाव कहां से आ रहा है, कि यह पिता समाप्त हो जाए तो अच्छा। हालांकि आप कहेंगे कि बुरा विचार कहां से आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, आप इसको प्रकट भी ना करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने सेवा को कर्तव्य माना उसी दिन इस विचार का बीज भी आपने बोली आपने भीतर, ये कोई और नहीं ला रहा है, क्योंकि जहां कर्तव्य है वहां से छुटकारे का मन होगा। लेकिन पिता की सेवा अगर कर्तव्य ना हो तो बोझ नहीं होगी। और तब सच तो यह है कि पिता की सेवा करते वक्त पहली दफा आपके जीवन में वो फूल खिलेगा जिसका अर्थ पुत्र होना होता है, नहीं तो वो फूल कभी नहीं खिलेगा। पिता आपको जन्म देके पिता नहीं हो जाता, और आप किसी से जन्म पाके पुत्र नहीं हो जाते। पुत्र आप उस दिन होते हैं जिस दिन पिता की सेवा आनंद होती है, और पिता भी आप उस दिन होते हैं जिस दिन बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आनंद होता है, काम और कर्तव्य नहीं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो निसर्ग से खिलता है, और जीवन में जो भी कचरा, जिसको लाओस से कह रहा है तलछट कचरा, फोड़े की भांति घाव जो बन जाता है, वो सब तनाव से पैदा होता है। और हम जो भी करते हैं वो सब तनाव है। हमारा पूरा जीवन एक लंबी यात्रा है, एक तनाव से दूसरे तनाव पर। इसलिए मौत हमारे जीवन की पूर्णता नहीं है, केवल समाप्ति है। अन्यथा अगर एक आदमी का जीवन विकसित हुआ हो तो सांझ जब सूर्य डूबता है तो सुबह के सूर्य से कम सुंदर नहीं होता। सांझ के डूबते हुए सूर्य का सौंदर्य भी वैसा ही अनूठा होता है जैसे उगते सूर्य का। लेकिन आदमी का उगता हुआ सौंदर्य अलग होता है, डूबता हुआ सब कुरूप हो जाता है। आदमी के जीवन का सूर्यास्त क्यों सुंदर नहीं? जिंदगी एक तनाव की यात्रा है, तो हम समाप्त होते हैं मृत्यु में, पूर्ण नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति के लिए मृत्यु पूर्णता है, अधार्मिक व्यक्ति के लिए सिर्फ अंत, सिर्फ समाप्ति। ये जो घटना घटती है, ये घटना प्रत्येक काम को तनाव बनाने से घटती है। लाओस से कहता है जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं होता। आप कभी अपने पंजों के बल खड़े होकर देखें? वैसे तो सभी लोग पंजों के बल जीवन में खड़े हैं, लेकिन ऐसे कभी पंजों के बल खड़े होकर देखें, जल्दी ही थक जाएंगे। और पंजों के बल आप कितने ही सद के खड़े रहें, आप कंपित होते रहेंगे भीतर। और खड़ा होना प्रतिपल एक श्रम होगा, लेकिन हम सब पंजों के बल खड़े हैं। हमारा खड़ा होना सहज खड़ा होना नहीं। कोई आदमी पंजों के बल क्यों खड़ा होता है? ऊंचा दिखना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है, दूसरों की आंखों में कुछ दिखना चाहता है। दूसरों की आंखें बहुत मूल्यवान हैं, अपनी सहजता स्वीकार नहीं है, वो लंबा होना चाहता। पश्चिम में स्त्रियों ने बड़ी एड़ी के जूते ईजाद किए हैं, वो सिर्फ पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा में, पुरुष थोड़ा लंबा है। उन लंबी एड़ी के जूतों पर चलना सुखद नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है।
असल में लंबी एड़ी के जूते पहनने का मतलब है कि पंजे के बल आप खड़े होना चाह रहे हैं, सहारा चाहिए तो लंबी एड़ी का सहारा मिल जाता है। स्त्री को भी पुरुष जैसा लंबा होने की तृष्णा है, स्वीकृति नहीं है, दूसरे से कुछ तुलना है और दूसरे के मुकाबले होने का कोई भाव है। फिर ये एड़ी की ऊंचाई तक ही बात नहीं टिकेगी, ये तो फिर पूरे जीवन में फैल जाएगी, ये तो दृष्टि और आधार हुआ। जिस दिन पश्चिम में आज से कोई 300 साल पहले स्त्रियों ने लंबी एड़ी के जूते खोजे, उसी दिन कहा जा सकता था कि आज नहीं कल जो भी स्त्री आज पश्चिम में करी है वो करेंगी, जो भी आज कर रही है वो उस एड़ी के जूते से तय हो गया। एक भाव है भीतर, लेकिन लंबी एड़ी के जूते पर खड़े होने में सुखद नहीं हो सकता, खड़ा होना भी एक दुख हो जाएगा, चलना एक कष्ट हो जाएगा, चलना एक आनंद हो सकता है, चलना आनंदपूर्ण है, लेकिन जिनकी भी आदत पंजों पर खड़े होने की पड़ गई वो फिर चल नहीं सकते, सारे शरीर को घसीटना पड़ेगा। और ये जो लाओस से कहता है कि पंजों के बल जो खड़ा है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता, वो कंपित भी रहेगा, क्योंकि जो भी सहारे उसने लिए हैं सब झूठे हैं और कृत्रिम हैं। वो अपना पैर नहीं है लंबा, वो जूते की एड़ी है। वो जिन सहारों पे भी लंबा हो गया है वो सब झूठे हैं। एक राजनीतिक अपनी कुर्सी पर बड़ा हो गया है, वो कुर्सी उतनी ही झूठी है। इसलिए राजनीतिक अपनी कुर्सी पर बैठ के कभी शांति से बैठ नहीं सकता। कुर्सी पे होना और शांति से होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कुर्सी जिस चीज के लिए काम में लाई जा रही दूसरों से ऊपर दिखाई पड़ने के, ये जो चेष्टा है ये चेष्टा ही कुर्सी पर शांति से नहीं बैठने दे सकती। इसलिए सम्राटों की रातें अगर कष्टपूर्ण हैं, और अगर सम्राटों ने कभी कभी भिखारियों से भी ईर्ष्या की है अपने मन में, तो उसका कारण है। अगर एक व्यक्ति ने धन का ढेर लगा लिया है और उस पर ऊपर होने की कोशिश में लगा है, तो ये ढेर वो कितना ही सोचता हो कि वो ढेर के ऊपर खड़ा है, वो समझे या ना समझे उसे पता नहीं, असलियत में ये ढेर उसके सिर पर बैठ जाएगा, वो दब जाएगा, इस ढेर से ऊपर नहीं उठने वाला है। लाओस से कहता है अगर दृढ़ता से खड़ा होना हो तो ऐसे खड़ा होना चाहिए कि खड़े होने में कोई तनाव ना हो, पंजों के बल खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और जब आप पंजों के बल खड़े होते हैं तभी पता चलता है कि आप खड़े हैं, जब आप पूरे पैर के बल खड़े होते हैं तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप खड़े हैं। लेकिन हमारी आदत संतुलन की नहीं है, इसलिए लाओस की परंपरा में एक प्रक्रिया है। लाओस से अपने शिष्यों को कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर आंख बंद कर लो, फिर ध्यान करो कि तुम पैर के किसी हिस्से पर जोर तो नहीं दे रहे हो, पूरे दोनों पैरों पर संतुलन बराबर बांट दो, पर हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो पता चलने के लिए लाओस से कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर एक पैर पर जोर दो, बाएं पैर पर पूरा जोर दे दो, बाएं पर ही खड़े हो, भीतर शिफ्ट कर दो, भीतर पूरा बल बाएं पर शिफ्ट कर दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दायां नपुंसक हो गया पैर, उसमें प्राण ना रहे, फिर दाएं पर पूरा का पूरा जोर हटा दो, तब तुम पाओगे कि बायां रिक्त और खाली हो गया, तब दोनों पर बराबर जोर बांटो। और लाओस से कहता था जिस दिन तुम्हारा संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा तुम्हें बाएं और दाएं पैर का पता नहीं चलेगा, कौन सा पैर बायां कौन सा पैर दाएं,
और जिस दिन संतुलन बराबर हो जाएगा उस दिन तुम कितनी ही देर खड़े रहो तुम थकोगे नहीं। ये पैर के बाबत ही सही नहीं है, पूरे शरीर के बाबत सही है। अगर हमारा हमारा प्राण पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित हो।